हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। मैं हूं मनु पंत, आपका टीचर। आईआईटी रुड़की से हूं और पिछले कई सालों से बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। हमारा एम है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जो कि फ्रस्टम ऑफ कोन पे है, जो क्लास 10th सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट सभी के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस फ्रस्टम में ऐसे बनते हैं जो आप सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आप कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो। लेकिन कई सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आ जाते हैं कभी कभी कि जहां पे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं, देखिए अभी कैसे होगा वो। लेट्स से ये क्वेश्चन है जहां पे आपको दिया हुआ है कि द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ ए कॉनिकल बकेट विच इज 45 सेंटीमीटर हाई और रेडियाई जो है 28.7 सेंटीमीटर दे रखी है। कैपेसिटी पूछ रहा है, कैपेसिटी का मतलब आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ द बकेट पूछ रहा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सीधा सीधा फ्रस्टम के केस में होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। तो इसको हमने, ये तो हमारी H है, ये है लेट्स से R1 और ये है R2। किसी को भी R1 R2 आप बोल सकते हैं। तो इसकी वॉल्यूम हम आराम से निकाल सकते हैं, पाई हम 22/7 ले लेते हैं और R1 स्क्वायर का मतलब हो गया 28 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और प्लस 28 इंटू 7 और ये बाहर 45 इसकी हाइट है। तो ये तो 3 और 45 आराम से कैंसिल हो गए। अब यहां से देखते हैं 22/7 तो है ही। अब देखो ये यहां पे 7 स्क्वायर कॉमन आ सकता है, 4 स्क्वायर बचेगा, यहां पे 7 स्क्वायर है ही, यहां पे एक 7 यहां से और एक 7 यहां से आ सकता है। तो मैं सीधे सीधे 7 स्क्वायर जो कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे बचा 4 स्क्वायर, यहां से बचा 1 स्क्वायर, यहां से बचा 4 इंटू 1। अब ये 7, ये 7 और इस सबको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, कर ही सकते हो आराम से। तो 48510 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सीधा सा सवाल है जो फर्स्ट टाइम पे बन जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज होते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं। तो चलिए मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि इफ अब क्वेश्चन ये है कि अ हॉलो कोन इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस एंड अपर पोर्शन इज रिमूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि आपने फ्रस्टम जो है, फ्रस्टम बना दिया है, ठीक है, ऊपर का पार्ट काटते ही कोन का तो एक फ्रस्टम बन जाता है, आपको पता है। अब ये कह रहा है कि CSA ऑफ द रिमाइंडर इज 8/9 ऑफ द CSA ऑफ द होल कोन। तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझें, तो एक फिगर बना लेते हैं, ऐसा करते हैं, मैं उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिलीट कर देते हैं। Thank you.
ये कुछ फ्रस्टम आपको पता है कि कैसा होता है ना, कुछ ऐसा सा आपका फर्स्ट टर्म होता है। तो इनको जरा नेमिंग कर देते हैं, ए ये बी और ये सी और ये डी और ये ई। यहां पे ओरिजिनल इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, इसकी L1 बोल देते हैं, और बड़े वाले का स्लांट हाइट जो है L2 बोल देते हैं। इसकी हाइट को, छोटे वाले कोन की हाइट को H1 बोल देते हैं, और ये जो बड़े वाला कोन है इसकी हाइट को हम H2 बोल देते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली हुआ क्या है, आपके पास एक कोन था, ओरिजिनल कोन जिसका नाम है ADE, उसमें से आपने एक छोटा कोण माइनस कर दिया या काट के फेंका, वो है ABC। तो आपके पास जो बचा है वो 8/9, 8/9 ऑफ ADE आपका बचा है CSA। अभी हम CSA की बात करें, ठीक है। तो ADE, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा ये हो गया कि कोण ABC क्या रहा होगा। तो कोण ABC का CSA क्या रहा होगा भाई, ADE में से इसको माइनस करेंगे तो 1/9 ऑफ कोण ADE, यानी के जो फ्रस्टम गया ABC था, इसका जो CSA था वो टोटल कोण ADE का 1/9 हो गया। अब देखिए, हमने जो डायमेंशंस ली उस हिसाब से CSA ऑफ कोण ABC क्या होगा, पाई आर एल होता है, आपको पता है पाई आर एल। तो पाई आर वन एल वन इज इक्वल टू 1/9 पाई आर टू एल टू। ऐसा सिचुएशन आपके पास आ गई, पाई से पाई कैंसिल कर दिया और हमारे पास आ गया आर वन ओवर आर टू, और ये हो गया एल वन ओवर एल टू इज इक्वल टू 1/9 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। अब जरा इस ट्रायंगल में आते हैं, यहां पे देखिए ये ट्रायंगल बने हुए हैं, ये इसको बोल दिया एम और इसको बोल दिया लेट्स से एन। तो ट्रायंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एन ई, ये तो आपको पता है क्योंकि ये एंगल 90 होता है, ये भी 90 होता है, और ये एंगल तो कॉमन ही है दोनों में, या ये भी कॉमन है, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो ये और ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो इनके साइड्स के रेशियोज जो है वो सिमिलर होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हम ऐसा लिख सकते हैं आर वन ओवर आर टू इज इक्वल टू एल वन ओवर एल टू इज इक्वल टू एच वन ओवर एच टू, ऐसा कर सकते हैं हम। तो अब देखिए, आर वन ओवर आर टू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से एच वन ओवर एच टू, तो ये एक एच वन ओवर एच टू तो यहां से आ गया, और एक हमारे पास आ गया एल वन ओवर एल टू भी एच वन ओवर एच टू ही है इज इक्वल टू 1/9। तो इसका मतलब हो गया कि एच वन ओवर एच टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 हो गया, यानी कि एच वन एच टू इज इक्वल टू 1/3 हो गया। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट इनटू व्हिच द कोन्स ऑल्टीट्यूड इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। तो ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि एच वन ओवर, यानी कि ए एम और ओवर एम एन पूछ रहा है, ये बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है ए एम ओवर एम एन क्या है। तो ये क्या हो गया एच वन ओवर, और ये एम एन होगा क्या एच टू माइनस एच वन। देखो भाई, ये इतना हिस्सा, ये पूरा एच टू है, छोटा वाला एच वन है, तो ये कितना हो गया एच टू माइनस एच वन। तो अब एच वन तो ये हो गया। अब यहां से देखो, एच इससे क्या मिल रहा है आपको,
H2 इज इक्वल टू 3H1 मिल रहा है, तो H2 की जगह क्या मैं लिख दूं 3H1 और माइनस H1 ऑलरेडी है, यानी कि H1 ओवर 2H1 मिल गया, H1 से H1 कैंसिल हो गया, यानी कि 1/2 है आपका आंसर। तो देखो अगर आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझा तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी नहीं और ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से आप हैंडल कर पाएंगे। तो हम लोग अचीवर्स क्लासेस में हम लोगों का एम यही रहता है कि हम आपको इस टाइप के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो दें। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हर साल अपने अपने स्कूल्स में अपनी अपनी क्लासेस में टॉप करते हैं। इनफैक्ट पिछले 2 साल से उत्तराखंड में जो टॉपर्स आ रहे हैं क्लास 10th के वो हमारे ही स्टूडेंट हैं, और NTSC में भी पिछले साल 3 सिलेक्शंस थे हमारे, IIT JEE, IIT एडवांस और नीट में हमारे बहुत अच्छे सिलेक्शंस होते हैं, क्योंकि हमारा सब टीचर्स का एम जो है वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको हमारे यहाँ जे इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करनी है या आप बोर्ड्स की भी खाली तैयारी करना चाहते हैं तो यू ऑल आर वेलकम। इनफैक्ट हम फाउंडेशन कोर्सेज भी करते हैं 9th 10th के लिए, और इस बार 3 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है हमारा NDA में, जो कि एक नेशनल एग्जामिनेशन से आप सबको पता है। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, और या आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस है, ये है अचीवर्स क्लासेस नेम, और ये वाडिया इंस्टीट्यूट है बल्लोपुर चौक के पास देहरादून में, तो वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए, और अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट की जरूरत है तो यू कैन इजीली कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर, हम आपके लिए बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार हैं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो देन यू कैन कॉल अस। बाय बाय।